इस वीडियो में हम क्लास फोर्थ की इंग्लिश बुक चैप्टर नंबर 4 हेयर एंड देयर का एक्सप्लेनेशन विद क्वेश्चन एंड आंसर हम देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज हेयर एंड देयर। नीता इज अ केयरलेस गर्ल। इस स्टोरी में दो गर्ल हैं, नीता एंड माला। ओके, नीता इज अ केयरलेस गर्ल। वो बहुत ही एक लापरवाह टाइप की लड़की है। शी डज नॉट कीप हर थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेसेस। वो कभी भी अपने जो सामान है वो कभी भी एक प्रॉपर जगह पे नहीं रखती है, इधर उधर रख देती है। हर मदर इज वरिड अबाउट हर केयरलेसनेस। अब कोई भी अगर लापरवाह होता है और हम भी अगर अपना सामान इधर से उधर फैला के रखते हैं तो हमारी मम्मा कितनी गुस्सा होती है। तो ऐसे ही नीता की मम्मा भी बहुत चिंतित रहती थी हमेशा। वन डे नीताज फ्रेंड माला कम्स टू हर हाउस। एक दिन क्या हुआ, नीता की फ्रेंड कौन है, माला। माला उसके घर पे आती है। नीता कहती है, हाउ आर यू माला। माला, आई एम फाइन थैंक यू, व्हाट अबाउट यू। नीता, आई एम आल्सो फाइन। तो इस तरीके से इनका हाल चाल पूछते हैं एक दूसरे से। देन माला, आई केम हेयर टू टेक माई स्टोरी बुक बैक विच आई हैड गिवन टू यू लास्ट वीक। देन माला क्या कहती है, माला कहती है कि एक्चुअली ना मैं यहाँ पे अपनी स्टोरी बुक लेने के लिए आई हूँ जो मैंने तुमको लास्ट वीक, पिछले सप्ताह मैंने आपको जो स्टोरी बुक दी थी वो मुझे वापस चाहिए। तो नीता कहती है, आई डोंट रिमेम्बर वेयर आई हैव कैप्ट इट, यानी कि मुझे याद नहीं कि मैंने उसको कहाँ रखा था। सो प्रोबेबली इट वॉज हेयर ऑन द टेबल। तो हो सकता है, प्रोबेबली मीन्स हो सकता है कि क्या पता मैंने टेबल पे रखा हो। फिर कहती है, नो 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 नो, आई थिंक इट वॉज देयर इन द कबर्ड। फिर वो कहती है, नहीं नहीं टेबल पर नहीं होगी, कवर्ड में होगी। तो इस तरीके से नीता काफ़ी कंफ्यूज रहती है। क्यों रहती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, क्योंकि वो काफ़ी केयरलेस गर्ल है। देन माला, यू शुड कीप द थिंग्स एट द प्रॉपर प्लेसेस, शुड आई हेल्प यू। माला क्या कहती है, माला कहती है कि तुम्हें अपनी चीज़ें एक प्रॉपर जगह पे रखनी चाहिए। क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। नीता, यस प्लीज़। देन माला एंड नीता बिगेन टू कीप द थिंग्स एट द प्रॉपर प्लेसेस। फिर दोनों क्या करती हैं, जो भी जो चीज़ें होती हैं घर रूम में, जो भी चीज़ें होती हैं उनको एक प्रॉपर प्लेसेस में रखना, अरेंज करना स्टार्ट करती हैं। देन माला को उसकी स्टोरी बुक मिल जाती है। और स्टोरी बुक कहाँ रहती है, माला फाइंड्स हर स्टोरी बुक इन द कबर्ड। कबर्ड में उसकी स्टोरी बुक रहती है। मीनवाइल नीताज मदर एंटर द रूम। और इतने में ही नीता की जो मम्मा है वो रूम में एंटर करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। देन नीता, माँ सी माई रूम। नीता क्या कहती है, मम्मा मेरा रूम तो देखो। मम्मा क्या कहती है, ओह गुड, वेयर इज योर ब्लू बैग, तुम्हारा ब्लू बैग कहाँ है। नीता, इट इज़ हेयर ऑन द टेबल। ओके, सो वेयर इज योर रेड फ्रॉक, रेड फ्रॉक कहाँ है तुम्हारा। नीता कहती है, इट इज़ इन द कबर्ड। ओके, देन मदर कहती है, वेयर आर योर ब्लैक शूज। सो नीता कहती है कि मेरे ब्लैक शूज़ कहाँ पे, शू रैक में है। तो नीता की जो मम्मा होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वेरी गुड नीता, यू शुड कीप स्मॉल थिंग्स हेयर ऑन द टेबल एंड बिग थिंग्स हेयर इन बिग थिंग्स देयर इन द कबर्ड। नीता की मम्मा क्या कहती है, कहती है कि बहुत बढ़िया, हमें हमेशा क्या रखना चाहिए, जो हमारे जो छोटे छोटे जो सामान है वो हम टेबल पे रख सकते हैं, और जो बड़े सामान है वो कहाँ पे हमें रखना चाहिए, कवर्ड में रखना चाहिए, अलमीरा में रखना चाहिए। देन हमारा ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। देन इसके बाद कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, मीन्स केयरलेस, लापरवाह, प्रॉपर सही तरीके से, वरिड यानी कि चिंतित, प्रोबेबली यानी कि संभवत या एक तरह से लगभग कह सकते हैं उसको, देन अरेंज यानी कि किसी भी चीज़ को व्यवस्थित करना। देन यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हैं, व्हाट वाज नीता लाइक, हाउ डिड नीता कीप हर थिंग्स इन द बिगनिंग। तो इसके आंसर्स मैं आपको आगे प्रोवाइड करती हूँ। ओके, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर दीजिएगा। देन यहाँ पे वर्ड पावर में, द वर्ड्स इन द टॉफीज डिस्क्राइब समथिंग और समवन इन द स्टोरी। अब यहाँ पे कुछ
चीज़ें दी हैं, अब उसको आप स्टोरी में से देख के आप उसको फिल कीजिए कि स्वीट क्या था, ब्लू क्या था, ब्लू क्या था, बैग है ना, इसी तरीके से ब्लैक जो भी था, ब्लैक क्या होगा, शूज़ होगा ऑफ कोर्स, रेड क्या था, तो इस तरीके से आप ये सब चीज़ें फिल कर सकते हैं इसके अंदर। देन लैंग्वेज प्रैक्टिस आ जाता है, एडजेक्टिव आपको इसमें अंडरलाइन करने हैं और इसको डिस्क्राइब करना है। सो हियर इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, द टू क्वेश्चंस आर देयर, देन डी एंड ई, वेयर डिड माला फाइंड हर बुक, सो माला फाइंड हर स्टोरी बुक इन द कबर्ड। Then why it is necessary to keep our things at the proper places? To save our time and avoid difficulties, it is necessary to keep our things in their proper places. Then यहाँ पे आपको कुछ word power की activity दी है, जो मैंने आपको बताया था colors के according आपको book में क्या क्या stories दी हैं वो आपको उसमें से word choose करके इसमें लिखना था। Then यहाँ पे आपको adjective, देन यहाँ पे आपको फिलिंग इन द ब्लैंक्स दिया है, हेयर एंड देयर का सेंटेंस में चूज करके यूज़ करना है। सो ओके देन, बाय बाय, टेक केयर, कम बैक।